ओके, सभी को आवाज प्रॉपर आ रहा है? हेलो। यस सर। ओके ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंसर्स के बारे में। जो भी सेंसर वर्तमान में प्रचलित, जो भी हमारे कैमरेस हैं डिजिटल, उनमें जो सेंसर यूज करे जा रहे हैं या जो प्रयोग किया जा रहा है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसी के आगे आज हम इन्हीं सेंसर के बारे में और जानेंगे कि इनके क्या क्या यूज हैं, ये सेंसर किस तरीके से एक इमेज को फ्रेम के ऊपर एक्सपोज करते हैं और एक्सपोज करने के बाद में मेमोरी कार्ड में उसको सेव करते। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फोटोग्राफी के अंतर्गत, वो है सेंसर। और सेंसर से जुड़े और भी जो भी चीजें हैं, जो भी उनके फैक्टर्स हैं और जो भी उनकी वर्क मेथड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी और भी अदर्स फंक्शंस हैं उनके बारे में भी हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये मटेरियल मेथड तो नहीं है, लेकिन जो भी आपके कैमरे से जुड़े या जो भी उसके फंक्शन से जुड़े हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, तो ये उसका थ्योरी है। तो आप अलग, यानी कि मटेरियल मेथड पे ना लिखकर फोटोग्राफी टेक्निकल टर्म्स करके आप एक अलग से नोट्स लिखेंगे, तो उसमें कुछ पेजेस आप बना लीजिएगा। तो जो टेक्निकल और भी चीजें हैं किसी से जुड़ी हुई, बाकी तो मैं मटेरियल मेथड में आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें नहीं लिखी हुई हैं या वो जो आपके उस सिलेबस में नहीं है, वो प्रैक्टिकली रूम में है, तो उनको भी मैं आपको लिखा देता हूँ जिससे कभी किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेंसर की बात करेंगे कि आखिर सेंसर क्या होता है और किससे बना होता है, और पहले या जो वर्तमान में डिजिटल कैमरेस हमारे आ रहे हैं तो उनमें कौन सा सेंसर लगा हुआ है, इसके पहले कौन सा सेंसर लगा होता था, और हर सेंसर, यदि पहले जो सेंसर था और अब जो सेंसर है तो उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सेंसर। इसके बाद में आप नंबर 1 और नंबर 2 आप इस तरीके से यहाँ पर डाल लीजिएगा। तो उसमें सबसे पहले आप लिख लीजिएगा CCD, सेंसर या कोई एक ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा। तो उसमें सेंसर के नीचे लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट में CCD लिख लीजिएगा और राइट में लिख लीजिएगा CMOS लिख लीजिएगा। ठीक है, CMO CMOS इसको आप लिख लीजिएगा। सर, पहले क्या लिखना क्या कह रहे हैं? है? CCD, ठीक है। ओके सर। ओके, तो
तो इसमें हम कुछ पॉइंट दर पॉइंट यानी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें नोट कराऊंगा। तो उसमें पहला हेडिंग आप डालिएगा सीसीटी सेंसर, अभी शॉर्ट में ही लिखिएगा सीसीटी सेंसर, यह मेन हेडिंग है आपकी। चाहे आप लेफ्ट साइड थोड़ा सा अंडरलाइन करके डाल दें या उसको या सेंटर अलाइनमेंट पे आप डाल दें, ठीक है। तो इसमें आप नंबर फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट मैंने पहले ही बताया कि मैं लिखाऊंगा, तो पॉइंट टू पॉइंट में पहला आप लिखेंगे, लिखिए सीसीटी स्टैंड फॉर, सीसीटी स्टैंड फॉर डैश चार्ज्ड कपल डिवाइस। सेकेंड नंबर पॉइंट डालिएगा, लिख जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा यस सर। इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रॉन्स ELECTRONES। इलेक्ट्रॉन्स कौन इट्स कन्वर्ट्स कौन सीसीटी सेंसर यानी कि यह कन्वर्ट्स करता है लाइट्स को किसमें इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। नंबर थर्ड डालिएगा, लिखिएगा इट इज एन एनालॉग डिवाइस। इट इज एन एनालॉग डिवाइस। फोर्थ नंबर लिखिएगा, फोर्थ नंबर को लिखिएगा, लिखिएगा इट इज ए सिलिकॉन चिप। इट इज किसके लिए यहां प्रयोग कर रहे हैं, सीसीडी सेंसर के लिए कर रहे हैं, यानी कि सीसीडी सेंसर एक सिलिकॉन चिप है जो कि डिजिटल कैमरों में शटर के पीछे यानी कि बिहाइंड एक डिवाइस है जो कि वहां पे लगाई जाती है। लिख लिया सभी ने इतना, जी सर। ओके। इसके बाद लिखिएगा बीइंग BEING बीइंग, इसका मतलब होता है हो रहा है। बीइंग एन एनालॉग डिवाइस, बीइंग एन एनालॉग डिवाइस कामा आउटपुट इज इमीजिएटली कन्वर्टेड कन्वर्टेड टू
ए डिजिटल सिग्नल सर डिजिटल के बाद क्या बोला? ओके कन्वर्टेड टू ए डिजिटल सिग्नल बाय बाय एन एनालॉग टू बाय एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्टर लिख लिया सभी ने। ओके यस अब हेडिंग डालिएगा CMOS CMOS सेंसर मेन हेडिंग है ये आपकी लेफ्ट या सेंटर में आप अंडरलाइन करके इसको लिख लीजिएगा CMOS सेंसर। आप इसमें भी हम लोग वन टू स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिखेंगे। ओके और इसमें लिखिएगा नंबर वन पे CMOS CMOS स्टैंड फॉर स्टैंड फॉर थोड़ा सा डैश लगा दीजिएगा लिखिएगा कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कंप्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर सर सेमी कंडक्टर के बाद फुल स्टॉप के बाद में सेकेंड पॉइंट लिखिएगा ए CMOS ए CMOS सेंसर इज ए डिजिटल डिवाइस। इज ए डिजिटल डिवाइस फुल स्टॉप। नंबर थर्ड लिखिएगा आगे पॉइंट में लिखिएगा ए CMOS सेंसर ए CMOS सेंसर कन्वर्ट्स द चार्ज फॉर्म चार्ज CHARGE चार्ज फॉर्म FROM चार्ज फॉर्म ए फोटो सेंसिटिव
चार्ट फॉर्म ए फोटो सेंसिटिव पिक्सल 2A पिक्सल 2A वोल्टेज एट द वोल्टेज एट द पिक्सल साइट या साइट टी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सिग्नल इज देन सिग्नल देन सर क्या बोला आपने द सिग्नल जस्ट वेट, अभी बता रहा हूं। ओके सर हाँ, आप क्या पूछ रहे थे बताइए। सर आपने ये फोर्थ वाला क्या बोला था सिग्नल के आगे ओके, हाँ, मैंने समझ लिया क्या पूछ रहे। फोर्थ नंबर डाल के लिखिएगा। द सिग्नल इज देन ओके सर द सिग्नल इज देन मल्टीप्लेक्स बाय रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम टू मल्टीपल ऑन चिप, मल्टीपल ऑन चिप कामा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स कन्वर्टर्स फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स फुल स्टॉप। फिफ्थ नंबर लिखिएगा इसके बाद। लिखिएगा सी एम ओ एस सेंसर है हाई क्या स्पीड। बोला कहाँ से फिर से बताइए। सर ये फिफ्थ वाला पूरा बोल दीजिए लिखिएगा CMOS सेंसर है हाई स्पीड कामा लो सेंसिटिविटी कामा लो सेंसिटिविटी एंड हाई कामा कामा फिक्स्ड पैटर्न नॉइस ओके सभी ने लिख लिया इसे। यस सर ओके, थैंक यू। अब समझ लीजिएगा सीसीडी यानी कि चार्ज
कपल डिवाइस, और डिफरेंस हम लोग देते हैं किससे, CMOS यानी कि कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये तो फुल नेम में डिफरेंस हो गया। दूसरा CCD जो हमारा है, इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो सनलाइट सब्जेक्ट के थ्रू, या यू कह लें कि जो हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट्स है जो मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू लेंस पे मिल रही है, वो लाइट्स को वो कन्वर्ट करता है, यानी कि बदलता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स में, कौन CCD सेंसर। ठीक है, और उसके विपरीत यदि हम यहाँ पर बात करें, तो मैंने आपको अभी CMOS में फोर्थ लाइन पे आपको लिखाया है, या थर्ड पॉइंट में भी आप नजर डालेंगे तो ACMOS सेंसर कन्वर्ट्स टू चार्ज फॉर्म ए फोटो सेंसिटिव पिक्सल टू ए वोल्टेज एट द पिक्सल साइट, यानी कि ये अपोजिट है किसका, CCD का, वो एनालॉग टू डिजिटल की ओर चलता है और ये डिजिटल टू एनालॉग की ओर, क्योंकि CMOS एक डिजिटल डिवाइस है और CCD डिवाइस कैसी है हमारी, इट इज एन एनालॉग डिवाइस, तो एनालॉग टू डिजिटल और ये डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, और इट इज ए सिलिकॉन चिप। ठीक है, तो सिलिकॉन चिप मानिए कि दोनों ही होती है, चाहे CMOS हो और चाहे आपका CCD हो, सिलिकॉन की चिप होती है जिसमें केमिकली प्रोसेस के द्वारा उसमें लेयर्स लगाई जाती है और उसको लाइट के प्रति, लाइट टू सेंसिटिव, तो वो कितना संवेदनशील है वो बनाया जाता है और उसी में इमेज हमारा जाके रिकॉर्ड होता है, पहले इमेज हमारा उसी पर रिकॉर्ड होता है, फिर आके मेमोरी कार्ड में हमारा यहाँ पर सेव होता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे डिफरेंस, दोनों ही चिप्स हैं और दोनों में ही केमिकल की यहाँ पर कोडिंग लगाई जाती है। और इसके बाद आपका जो लास्ट यहाँ पे CCD में मैंने लिखाया था कि आउटपुट इज इमीडिएटली कन्वर्ट टू ए डिजिटल सिग्नल बाई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये जो हमारा लाइट्स है उसको बहुत ही तेजी के साथ में उसको कन्वर्ट करता और कन्वर्ट करके वो मुझे इमेज फॉर्म में मुझे व्यू फाइंडर की मदद से हमारे LCD मॉनिटर पे हमें वहां पर शो करता है। तो देखिए इमीडिएटली मतलब कितनी जल्द, तुरंत, कहते ना फास्ट, क्विक फास्ट, इमीडिएटली मतलब तुरंत ये काम होना चाहिए। तो देखिए कितने सेकेंड के हिस्से के बराबर, देखिए हम लोग हमेशा बात करते हैं मिनट के हिस्से की, तो ये देखिए सेकंड के हिस्से में चलता है, सेकंड का हिस्सा कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, एक सेकंड यानी कितने हिस्से बराबर, तो कितने कम समय में ये प्रोसेस कर हमें इमेज को वहां पर दिखा देता है। और उससे तेज चलता है हमारा यहाँ पर CMOS सेंसर, यानी कि जो CMO सेंसर है, मैंने आपको लास्ट लाइन पे लिखाया है CMO सेंसर हैव हाई स्पीड, वहां था इमीडिएटली मतलब कि तुरंत, क्यू फास्ट, और ये है हाई स्पीड यानी अधिक, उससे भी तेज स्पीड में भी ये लाइट को कन्वर्ट करता है एनालॉग टू मतलब डिजिटल टू एनालॉग, और फिर मुझे वो वहां पर इमेज के रूम में दिखाता है। फिर लिखाया मैंने लो सेंसिटिविटी एंड हाई। इसमें खासियत है इस सेंसर में कि ये लाइट के प्रति संवेदनशील होता है, लेकिन CCD सेंसर की अपेक्षा कम होता है। देखिए आप कहेंगे कम होता है तो सर इमेज कैसे रिकॉर्ड करता है, ऐसा नहीं है कि कम संवेदनशील है तो इमेज को रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसीलिए ये बनाया गया है। जैसे कभी लाइट की जो भी हमारी कंडीशंस है, कभी कम है या कभी ज्यादा या कैसी भी है, तो उस परिस्थिति में ये CMOS सेंसर वो एडजस्ट कर लेता है वहां पे, तो वो लाइट को वहां पर ऑटोमेटिकली काफी हद तक वो एडजस्टमेंट कर लेता है सेटिंग के अनुसार,
वहां पर हमें सेटिंग को बार बार बदलना नहीं पड़ता है, उसको चेंज नहीं करना पड़ता है, तो वहां पर ये सेंसर हमको मदद करता है, ठीक है। और फिक्स पैटर्न नॉइस जो हमारा शोर है, शोर सभी लोग जानते हैं, शोर का मतलब यहाँ चिल्लाने से नहीं है, शोर का मतलब ये है कि यदि आप कभी शूटिंग कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में जो अलग तरीके का जो आपको एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलता है, मैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको एनवायरनमेंट की वजह से और पीपल की वजह से भी, आने जाने वाले लोगों की वजह से भी वहाँ पर आपको परेशानी होती है, तो वो सीसीटीवी सेंसर चूंकि थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा होता है तो वो हर चीज को कैप्चर करता है। जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, कोई आप चिप है, ऐसे आप सोच रहे कि डॉगी है, डॉग सोता है लेकिन जरा से भी आहट होती है तो वो क्या करता है, तुरंत जाग उठता है। तो लोग क्या कहते हैं कि हमें डॉग की तरीके से सोना चाहिए, यानी किसी की आहट भी आ जाए तो वो मुझे सुना नहीं। तो ये सीसीटीवी जो सेंसर है जस्ट उसी तरीके से है, जरा से भी कोई आहट होती है या कोई थोड़े से भी आ जाता है तो वो नॉइस में बदल जाता है। तो उससे हम जो भी फोटो खींच रहे होते हैं या कोई मूवी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा जो इमेज है वो या जो शूटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर उसको हटा देते हैं, फिर से करते हैं। तो ये आप प्रक्रिया बार बार यहाँ पर आप उसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सीएमओ सब में, तो ये लो सेंसिटिविटी है, यानी कि ये काफी हद तक नॉइस को कम रखता है, और नॉइस को यहाँ पर कम करने के बाद में यहाँ पर जो आउटपुट है उसको बेस्ट तरीके से दिखाता है। तो इमेज हमारा ये जो है सीएमओएस है, मतलब कि सीसीडी की अपेक्षा सीएमओएस में हमको बेहतर रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। इस सेंसर से हमें यहाँ पर बेहतर रिजल्ट मिलता है पिक्चर के रूम में यदि हम यहाँ पर देखें। तो ये एक जनरल डिफरेंस था जो पांच पांच पॉइंट्स में मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको इन दोनों में अंतर समझ में भी आया होगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है आपको वो भी समझ में आया होगा, और उसको पढ़िएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, अभी ही पूछ लीजिएगा। यदि आप पढ़ते हैं तो जो भी कल की क्लास है आप उनमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे सीसीटीवी सेंसर है या सीएमओएस सेंसर है, तो क्या ये सेंसर हमारे किस में होते हैं किस में नहीं होते हैं? तो चूंकि वर्तमान में जितने भी कैमरे हमारे आ रहे हैं, चाहे वो फुल फ्रेम हो चाहे आपके मिररलेस कैमरे हों, जो वर्तमान में आ रहे हैं उन सभी कैमरों में, यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ पर क्रॉप सेंसर के भी जो हमारे क्रॉप सेंसर की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सीधा फैक्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ होता है कैमरों में वो उनके फैक्टर्स की वजह से ही होता है, क्योंकि फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फैक्टर्स की बात करूंगा, चाहे वो क्रॉप फैक्टर्स हो या फुल फ्रेम फैक्टर्स हो या आपका फुल फ्रेम मिररलेस आपका कैमरा, सभी कैमरों में उसके प्राइस के हिसाब से, उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से, या उसकी जो भी डिटेल्स है कि इसमें ये है इसमें ये है, सभी के हिसाब से वहाँ पे सीएमओएस सेंसर का प्रयोग किया जा रहा। ऐसा नहीं कि सीसीटीवी सेंसर का प्रयोग नहीं किया जा रहा, जो लो प्राइस के कैमरे हैं चाहे वो किसी भी कंपनी को, तो उनमें सीसीटीवी सेंसर प्रयोग किए जा रहे हैं, और जो अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी में, चाहे वो क्रॉप फैक्टर्स हो या फुल फ्रेम फैक्टर्स हो या मिररलेस हो, सभी में हमारे सीएमओएस सेंसर यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेंसर की बात जो कि डिजिटल कैमरों में यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। अब इसी में हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे व्यू फाइंडर की तरफ, क्योंकि व्यू फाइंडर भी यहाँ पर हमारे अलग अलग तरीके से है और अलग अलग तरीके से इनका कैमरों में प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं इसी में व्यू फाइंडर। तो चाहे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा व्यू फाइंडर,
ठीक है। तो व्यू फाइंडर यानी कि खींचे जाने वाले सब्जेक्ट को देखने के लिए हम व्यू फाइंडर का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी व्यू को देखना, फाइंड करना मतलब कि ढूंढना। तो जो व्यू, जो दृश्य हम अपनी आंखों से देखते हैं, यानी कि जो दृश्य हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो दृश्य हम लेंस की सहायता से व्यू फाइंडर की मदद से देखते हैं। लेंस नहीं होगा तो व्यू फाइंडर भी काम नहीं करेगा। तो लेंस की सहायता से और व्यू फाइंडर की मदद से हम लोग अपनी खींचे जाने वाले दृश्य का व्यू देखते हैं। तो यहाँ पर जो दृश्य हम यहाँ पर देखते हैं तो वो हमें व्यू फाइंडर से दिखाई देता है। तो व्यू फाइंडर यहाँ पर हम किस किस तरीके का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम दो तरीके के व्यू फाइंडर्स का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ व्यू फाइंडर यूज इन कैमरा। तो यहाँ पर हम दो तरीके से यूज करते हैं, जिसमें पहला हमारा है ओ वी एफ। कौन सा है? ओ वी एफ। तो यहाँ पर पहला हमारा है ओ वी एफ, और दूसरा कौन सा है हमारा यहाँ पर? ई, एलिफेंट वाला ई, वी एफ। कौन सा है? ई वी एफ। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पहले वाले की। तो पहला वाला आप हेडिंग डाल लीजिएगा VOF, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। कौन सा है? ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। तो यहां पर ऑप्टिकल जो आपका व्यू फाइंडर है उसका प्रयोग किस प्रकार के कैमरों में किया जा रहा है? ठीक है, तो जो आपका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, तो ये व्यू फाइंडर आपका क्रॉप यानी कि क्रॉप फैक्टर्स और फुल फ्रेम और दोनों ही डिजिटल हैं, यानी कि DSLR दोनों ही डिजिटल हैं। क्रॉप फैक्टर और फुल फ्रेम जो हमारा फैक्टर है, उन दोनों ही कैमरों में हमारा यहाँ पर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर जो है इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आज भी प्रेजेंट टाइम में। और ये जो व्यू फाइंडर्स हमारे हैं, जो आप एक उसमें देखते हैं आइस कैप होता है, एक आइस स्पाइस होता है, और उसके अंदर आपको एक लेंस यानी कि एक आपको आयताकार वहां पे रेक्टेंगल एक साइड में आपको लेंस दिखाई देता है। तो वो जो आपका लेंस है तो वो लेंस आपका एलईडी होता है कि एलसीडी होता है? श्वेता, श्वेता कौशल, यस जो व्यू फाइंडर ऑप्टिकली रूम में हम प्रयोग में लाते हैं, तो उसके अंदर जो कांच यानी कि जो मिरर आपका लगा होता है वो एलईडी होता है कि एलसीडी होता है?
सर नॉट श्योर सर. ओके सर. यस सर. बताइए व्यू ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में जो लेंस या मिरर लगा होता है तो वो एलईडी होता है कि एलसीडी होता है? सर मेरे ख्याल से ना तो एलईडी होता है ना तो एलसीडी होता है. क्यों? क्योंकि सर व्यू फाइंडर से हम जब कैमरा ऑफ करते हैं तो भी वो दिखाई देता है. सर इसके बारे में इतना ही. और किसी को? नितिन. नितिन नितिन यादव आवाज आ रही है मेरी? ओके. आकृति पाल. सर ये नहीं पता. देखिए मिरर वहां पे लगा होता है. ठीक है वहां पे जो मिरर है वो लगा होता है. देखिए वहां पे देखिए जब हम इमेज को व्यू फाइंडर से देखते हैं तो जो हमारा देखिए एक और स्क्रीन लगा होता है यानी कि जो पैनल लगा होता है. ठीक है जो एलसीडी का जो लगा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का जो पैनल दिखाई देता है तो जब हम व्यू देखने के बाद में उसे स्नैपशॉट में बदलते हैं तो वो मुझे वहां पर आके दिखाई देता है. लेकिन जो व्यू फाइंडर वहां पे हमारा जो होता है तो जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है तो वो हाँ सर अब बताइए क्या सर वो माइक ग्लिच कर गया तो. ओके ओके हम पूछ रहे थे कि जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है तो उस पे जो आपका मिरर लगा होता है या जो लेंस लगा होता है वो एलईडी होता है कि एलसीडी होता है? सर मेरे हिसाब से तो दोनों नहीं. मेरे हिसाब से तो एक सर रिफ्लेक्टर मिरर की तरीके से काम करते हैं जो हमें पता है. ओके तो देखिए जो हमारा यहाँ पर मैंने कई जगह उसको पढ़ा भी है और समझा भी है तो जैसा कि अभी श्रवण ने भी बताया और नितिन ने भी बताया तो काफी जगह वहाँ पर ये भी है कि चूंकि वो रिफ्लेक्टेड लेंस होते हैं तभी हमें किसी व्यू को दिखाते हैं तो वहाँ पे एलईडी या एलसीडी यहाँ पर जो स्क्रीन जो लगी हुई है नहीं है. लेकिन कहीं कहीं पर मैंने उसमें पढ़ा हुआ है कि क्यों उसमें मैंने पढ़ा हुआ है कि जो ऑप्टिकल जो व्यू फाइंडर है वो वहां पर जो आपको मिरर यानी कि जो कैमरे में आपको दिखाई देता है वहां पर वो मिरर ना होकर एक स्क्रीन होता है. आपका क्या होता है? एक वो स्क्रीन होता है. स्क्रीन ही उसे हम कहेंगे मिरर ना कह के उसको एक स्क्रीन बोलिए. वो स्क्रीन होता है तो जो ऑप्टिकल वाले जो हमारे फाइंडर हैं वो वहां पर एलसीडी स्क्रीन का प्रयोग करते हैं. एलसीडी स्क्रीन का प्रयोग करते हैं बेसिकली कौन? ऑप्टिकल व्यू फाइंडर. तो उससे हम किसी भी व्यू को वहां पर हम व्यू फाइंडर की मदद से देखते हैं. और इसके विपरीत जो हमारे अभी मैं बताऊंगा दूसरा वाला व्यू फाइंडर तो पहले ये वाला क्लियर हो जाए. तो इस तरीके से वो इमेज आके हमारे एलसीडी पैनल पे मुझे आके दिखाई देता है. यदि इसके डिफरेंस में हम यहाँ पर ईवीएफ इलेक्ट्रॉनिक वाला ईवीएफ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है ये हमारे मिररलेस कैमरे में प्रयोग किए जाते हैं. किसमें प्रयोग किए जाते हैं? डिजिटल मिररलेस कैमरे में प्रयोग किए जाते हैं. और ऑप्टिकल वाले व्यू फाइंडर क्रॉप फैक्टर्स और फुल फ्रेम फैक्टर्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. और मिररलेस जो हमारे कैमरे हैं उस उनमें हम इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर्स का प्रयोग करते हैं. शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं ईवीएफ. ये भी पूछा जाता है काफी कि ईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है या ओवीएफ का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर.
तो वो भी पूछा जाता है। तो जो मिररलेस हमारे कैमरे हैं वो यूज करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर्स को। क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनमें भी हमारे जो सेंसर लगे होते हैं वो सीएमओएस सेंसर लगे होते हैं, और सीएमओएस सेंसर एक आपका डिजिटल डिवाइस है, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइट को कन्वर्ट करता है इसमें एनालॉग में, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का प्रयोग किया जाता है, और ये डायरेक्ट है जो लाइट को कन्वर्ट कर देता है आपका बिना मिरर की सहायता से, या यूं कह ले कि मिरर मिरर के बाद जो आपका पेंटा प्रिज्म है, जो मिरर वाले जो आपके मिरर वाले जो आपके नॉर्मल डिजिटल कैमरा बोलिए, क्योंकि अब यहाँ मिररलेस आ गया है मिरर वाला, तो यहाँ नॉर्मल डिजिटल की बात करेंगे तो उनमें वहां पर मिरर के बाद पेंटा प्रिज्म होता है, तो हमको व्यू फाइंडर की मदद से दिखाई देता है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर्स मुझे नजर आता है मेरे अकॉर्डिंग, कि जो मैंने सोचा है जब मैंने इसको पढ़ा था कि एलसीडी और व्यू फाइंडर एलईडी, तो कहीं मुझे लगता है कि जो डिजिटल नॉर्मल हमारे कैमरे हैं, क्योंकि मिरर होता है मिरर के बाद में वहां पे फोकस स्क्रीन होता है, फिर कंडेंसर भी लगा होता है, इसके बाद में पेंटा प्रिज्म होता है, तो पेंटा प्रिज्म में भी एक देखिए शीशा ही है वहां पर डायमंड के तरीके से होता है, और कहीं ना कहीं वो लाइट वहां पे जाती है रोटेट होती है, और इसके बाद में वो मुझे व्यू फाइंडर की मदद से दिखाई देती है। तो कहीं ऐसा हो सकता हो कि जो स्क्रीन वहां पर लगी हो तो वो स्क्रीन डायरेक्ट पेंटा प्रिज्म से होकर मुझे किसी व्यू को, तो वैसे ही दिखाया जाता है जब इमेज इसी व्यू के थ्रू जाती है तो दिखता भी मुझको उसी के थ्रू है, तो कहीं ना कहीं पेंटा प्रिज्म का भी यहाँ पे रोल है, तो हो सकता है मैं भी वहाँ पे एलसीडी स्क्रीन का वहाँ पे प्रयोग होता हो, ऐसा मैंने पढ़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, आते भी हैं, तो उसके विपरीत यदि हम यहाँ पे मिररलेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यू फाइंडर यहाँ पे होता है, यानी कि इसमें मिरर नहीं होता है, तो मिरर नहीं है तो इसका मतलब है पेंटा प्रिज्म नहीं होगा, क्योंकि मिरर नहीं है तो पेंटा प्रिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मिरर के पेंटा प्रिज्म काम कर ही नहीं सकता है, तो जब मिरर नहीं है पेंटा प्रिज्म नहीं है तो कंडेंसर भी नहीं आपका होगा, तो इसका मतलब है कि जो होल ऑफ अमाउंट लाइट जो हमारा लेंस से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली सीधा हमारे शटर से होकर हमारे सेंसर पे पड़ रहा है, और वो सेंसर तुरंत मतलब कि लाइट को एक तरीके से कन्वर्ट कर दे रहा है या उसको ऊपर की तरफ भेज दे रहा है, कहाँ पे, व्यू फाइंडर की तरफ, किस माध्यम है, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो भेद दे रहा, और उस माध्यम से हम वहां पर व्यू फाइंडर के रूप में उसको देख पाते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है यहाँ पर, तो वो एलईडी स्क्रीन का प्रयोग करता है देखने के लिए, क्योंकि एलसीडी स्क्रीन एलईडी स्क्रीन हम लोग अपने घरों में टीवी पर भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम फाइंडर की यहाँ पर देखने की बात करते हैं तो एलईडी शब्द आता है, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि वहां पे जो व्यू फाइंडर का जो स्क्रीन लगा हुआ हो, लगा हुआ है, तो वो जो स्क्रीन है हमारा वहां पर एलईडी लेता हो, तो इस तरीके से जो हमारे व्यू फाइंडर हैं यहाँ पर वो दो तरीके के हैं, पहला ऑप्टिकल व्यू फाइंडर और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर बेसिकली रूप से इससे हो सकता है कुछ माइक्रोफोन इससे इसके बाद में माइक ऑफ कर लीजिएगा, और इस जो हमारे क्रॉप फैक्टर्स वाले कैमरे हैं या फुल फ्रेम वाले हैं तो उनमें हम ऑप्टिकल व्यू फाइंडर का। तो इस तरीके से आज हमने व्यू फाइंडर के बारे में जाना, और सीसीडी सेंसर और सीएमओएस सेंसर के बारे में जाना, इसी में आगे हम इसी से रिलेटेड बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। बात हाँ समण, कुछ कह रहे थे? नो सर, ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा माइक। ओ ओ ओ, ओ, ओ.
अब फैक्टर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी लोग पूछते हैं कि किसमें क्या फर्क है, मिररलेस में क्या फर्क है, फुल फ्रेम में क्या फर्क है, क्रॉप फैक्टर्स में क्या फर्क है। तो एक ही लाइन में जो इसका आंसर है वो ये है कि तीनों ही कैमरों में सबसे बड़ा जो फर्क होता है हमारे फैक्टर्स का, यानी कि जो हमारा कारक वहां पे बनता है फैक्टर्स, यानी कि 1.5x क्रॉप जो कि APS, कौन सा APS-C, यानी एडवांस फोटो सिस्टम, और C4 होता है हमारा क्लासिक जो कि सिस्टम पे हमारा काम कर चलता है, और 1.5x होता है। इसके विपरीत जो हमारा फुल फ्रेम होता है वो भी एक फैक्टर ही है, तो वो 1.0x यानी कि 35 mm फिल्म नेगेटिव के बराबर हमारा काम करता है, ठीक है। और यदि मिररलेस की बात करें तो वो भी हमारा फुल फ्रेम है, तो यही फैक्टर उसमें भी काम करता है, और चूंकि मिररलेस यानी कि उसमें मिररलेस नहीं होता है, डायरेक्टली इमेज को वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कन्वर्ट कर हमको वहां पर आता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर थे हमारे क्रॉप, फुल फ्रेम और मिररलेस के, और ज्यादा कुछ अंतर विशेष नहीं है। बाकी आप फुल फ्रेम बस रेंज का भी देखिए फर्क है, कॉस्टली होते हैं, एयरक्रॉफ्ट सेंसर लेंगे कुछ सस्ता पड़ेगा, आप फुल फ्रेम लेंगे उसी में तो वो कुछ उससे महंगा पड़ेगा, और यदि आप मिररलेस में चले जाते हैं तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो कॉस्ट का भी यहाँ पे एक डिफरेंस है, सेंसर का भी एक डिफरेंस हो गया, और सेंसर जो है इनमें CMOS लगे होते हैं तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग वो सारा कैप्चर करते हैं। और चूंकि मिररलेस कैमरा है तो लाइट के लिए बहुत ही फेमस है, लो लाइट की कंडीशन पे अच्छा वर्क करते हैं, लाइट की कंडीशन कम है तो मुझे फ्लैश की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इनका जो ISO होता है बहुत अच्छा काम करता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ये है। और वाइड एंगल व्यू भी बहुत अच्छा बनता है हमारा मिररलेस कैमरों में, जो वाइड एंगल व्यू है वो शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड, शैडो डेप्थ ऑफ जो फील्ड है वो भी हमारा अच्छा बनता है यहाँ पर, उतना अच्छा हमारा मतलब कि फुल फ्रेम या क्रॉप फैक्टर्स में, या फुल फ्रेम फैक्टर्स या क्रॉप फैक्टर्स पे नहीं बनता है। तो कुछ ऐसे थोड़े थोड़े से वहाँ पर टेक्निकल चीजें हैं जो बेटर हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, व्यू फाइंडर और सेंसर। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, और सभी लोग प्रॉपर तरीके से उसको स्टडी करेंगे और समझेंगे, और किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है यदि नेटवर्क की वजह से कुछ आपको उसमें समझ में नहीं आया है, तो आप कल की क्लास में, इसी क्लास में मतलब फोटोग्राफी की क्लास में, आप उसको रिवाइज से करके पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको समझा दूँगा, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लासेस ओवर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके नितिन, थैंक यू।